सबसे पहले दो पर्सपेक्टिव में मैं आपका एक ओपिनियन चाहूँगा। पहला ये कि सिंगिंग आपके लिए क्या है, और एग्जैक्टली सिंगिंग की जब बात होती है तो पैशन का जो लेवल है या फिर माइंड में जो बातें चलती है वो किस तरह की बातें हैं। और दूसरा, जो आपने डिसाइड किया एज अ मैरिड वुमेन कि आप रियलिटी शो में भी आप कदम बढ़ाई जाए। सिंगिंग तो मेरा पैशन रहा है शुरू से ही। मैं छोटे से ही गाना गाना चाहती थी, पर मुझे वो टाइम नहीं मिला कि मैं इस लेवल पे आगे बढ़ सकूं। और सबसे बड़ी बात ये है कि बिहार में सिंगिंग या फिर किसी और भी तरीके का ये आपका होता नहीं है प्रोग्राम वगैरह, तो लोग इसमें पीछे रह जाते हैं बिहार के, क्योंकि जैसे कि हम हाउस वाइफ हैं, हम मैरिड हैं, तो हमारे लिए आना जाना, ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता है। और उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है हमारे घर वालों को कन्विंस करना। मैंने भी अपने हस्बैंड को काफ़ी दिनों तक कन्विंस किया है, तो आज मैं यहाँ हूँ। तो मैं बिहार की सारी उन लेडीज़ को ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपने अपने शौक़ को पूरा नहीं किया, अपने हॉबी को, अपने पैशन को पूरा नहीं किया, तो आपके लिए सबसे सुनहरा मौका है कि सिंगिंग स्टार ऑफ बिहार पटना में हो रहा है, और आप अपने घरों से निकल कर यहाँ पर ऑडिशन दीजिए। होप्स हो कि आप एक हम लोगों में से, हम हाउसवाइफ में से कोई एक सिंगिंग स्टार ऑफ बिहार बने, तो वो और लेडीज़ों के लिए एक हिम्मत होगी कि अच्छा, अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो मेरे लिए, मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ कि शायद मुझे देख के और भी काफ़ी हाउसवाइफ है जो वो यहाँ आकर ऑडिशन वगैरह दे सके और अपना एक मुकाम हासिल कर सके अपने लाइफ में। तो आप ज़रूर आइए और ऑडिशन यहाँ पर दीजिए।